हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्त, आप सब लोगों को याद होगा हमने पिछले वीडियो में एक शुगर कैन का फॉर्म बनाया था। हालांकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 ही शुगर कैन थे, तो हमारे पास जितने भी शुगर कैन थे उन सारे शुगर कैन को हमने प्लांट कर दिया था। मतलब पूरे के पूरे 6 शुगर कैन को हमने प्लांट कर दिया था और उसके बाद हमने वेट का फॉर्म बनाया। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, पिछले बार क्या ना मैंने पूरे के पूरे डट का ब्लॉक यूज़ किया था, लेकिन अभी पूरे के पूरे मतलब मैंने चेंज कर दिया। अभी मतलब नीचे जो वुड यूज़ किया वही वुड मैंने ऊपर भी यूज़ कर दिया और एक स्टेयर्स भी बना दिया। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, स्टोन का स्टेयर्स मैंने बनाया था। तो अभी क्या ना बहुत ही बढ़िया दिख रहा, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया दिख रहा हमारा फॉर्म, लेकिन छोटा सा गड़बड़ हो गया। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, इधर एक लेयर आया है, डट का लेयर आया था। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, इसके ऊपर क्या ना पानी है, तो मैं ये क्या ना ये जो डट का ब्लॉक्स है इसको मैं निकाल नहीं सकता। अगर निकालूंगा तो ऊपर से पानी आ जाएगा, तो मेरे को क्या ना इसको चेंज करना है। मतलब जो वुड मैंने नीचे यूज किया सेम टू सेम वही वाला वुड मैं उधर एक लेयर बनाने के लिए सोच रहा था। तो अगर आप लोगों को कुछ सजेशन है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों। तो मेरे पास कुछ सीड्स है, वो सारे सीड्स को मैं अभी प्लांट कर देता हूँ। पिछले बार क्या ना मैंने कुछ सीड्स थे, मतलब मैंने प्लांट तो किया था, लेकिन उसके बाद मेरे को तोड़ना पड़ा। मतलब मैं चेंज करने वाला था तो इसीलिए मेरे को तोड़ना पड़ा। तो अभी मेरे पास जितना भी सारे सीड्स है वो सारे सीड्स को मैं अभी प्लांट कर देता हूँ, मतलब जितना हो सकता है दोस्तों। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, इधर पूरे के पूरे मैंने एक स्टेयर्स बनाया और फैंस भी बना दिया था। मतलब फैंस लगा दिया था पूरे के पूरे, मतलब कोई जॉम्बी वगैरह अंदर ना आ पाए। और मैंने इधर गेट भी लगा दिया था। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया भी दिख रहा है दोस्तों बहुत बढ़िया दिख रहा है। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने इसको मतलब बनाया दिया था, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, आप जैसे कि इधर देख सकते हो। तो अभी मैं आप सब लोगों को शुगर कैन का फॉर्म दिखाने वाला हूँ, देखते हैं वो कितना उगा है। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो, इधर पूरे के पूरे हमारे जितना भी शुगर कैन है वो सारे उग चुके हैं, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। तो अभी मैं इन सारे शुगर कैन को कलेक्ट करता हूँ और फिर से उगाने के लिए लगा देता हूँ। वो इधर मैं नीचे गिर गया भाई। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मेरे पास जितना भी शुगर कैन थे मैंने सारे शुगर कैन को प्लांट कर दिया। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया दिख रहा। अभी हम देखने वाले विलेजर को, मतलब अभी क्या है इस विलेजर जिंदा है नहीं है, हम सारे एपिसोड में इसको देखते रहे, मतलब ये जिंदा है मर गया है। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, ये विलेजर जो है ना जिंदा है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो का हम क्या करने वाला, हम माइनिंग करने वाले, मतलब आज का वीडियो में हम ढूंढने वाले हैं डायमंड्स। हम डायमंड्स को ढूंढने जाने वाले हैं। अब जैसे कि इधर देख सकते हो, मेरा जो वाई एक्सिस है वो 69 ब्लॉक है। हमको जाना है 12th ब्लॉक पर, क्योंकि डायमंड्स जो है ना 12th ब्लॉक पर ज़्यादा मिलते हैं, तो हमको 12th ब्लॉक पर जाना है। लेकिन हम ऐसा नहीं जाने वाले। अब थोड़ा सा क्या ना मेरे पास आयरन थोड़ा सा मिल गया था, आप देख सकते हो थोड़ा सा आयरन मेरे को मिल गया था। आप देख सकते हो पूरे का पूरा 16 आयरन मेरे पास अभी है। तो मैं क्या ना थोड़ा सा आयरन का टूल्स वगैरह बनाने वाला हूँ, मतलब पिकेक्स वगैरह बनाने वाला हूँ। उस पिकेक्स से हम पूरे तरीके से खोद कर नीचे जाएंगे और हम डायमंड्स को भी ढूंढने के लिए जाएंगे दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। तो दोस्तों अभी मैं क्या ना बहुत सारे आयरन का टूल्स बना दिया, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। 3 पिकेक्स बनाया और मैंने आयरन का एक स्वॉर्ड भी बनाया था, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। फिर भी मेरे पास 5 आयरन जो है ना अभी तक बचा है दोस्तों। तो मैं इस 5 आयरन को मैं क्या ना अभी इसको स्टोर कर देता हूँ, रख देता हूँ अपने डब्बे में। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो, रात जो है ना हो गया, अभी मैं सो जाऊंगा, अभी सुबह उठकर आप लोगों से मिलूंगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो, सुबह जो है ना हो गया। अभी क्या ना मैं माइनिंग करने वाला हूँ, मतलब पूरे के पूरे डाउन जाने वाला हूँ। हम पूरे के पूरे 12th ब्लॉक पर जाकर आप लोगों से मिलता हूँ। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मैं थोड़ा सा माइनिंग किया था, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। हम क्या ना 2-2 ब्लॉक का माइनिंग करने वाला, और आप देख सकते हो मैंने लैडर भी बनाकर लेकर आ गया। मतलब मैं लैडर से ऊपर आऊँगा और आप इधर देख सकते हो, इधर मैं पूरे के पूरे क्या ना टॉर्चेस लगा रहा हूँ, ताकि क्या ना ये जगह जो है ना मेरे को याद रहे। तो इसीलिए मैं पूरी तरीके से इसको टॉर्चेस लगा दूंगा और मेरे को जॉम्बीज का भी खतरा नहीं होगा, मतलब जॉम्बीज जो है ना अंदर भी नहीं आएंगे। तो उसके भी लिए अभी मैं टॉर्चेस जो है ना लगा दिया, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। तो अभी मेरे को इस सारे ब्लॉक्स को तोड़ते तोड़ते पूरी तरीके से हमको जाना है 12th ब्लॉक पर, और मैं 12th ब्लॉक पर एक बेस भी बनाऊंगा, मतलब पूरी तरीके से एक अंडरग्राउंड बेस, और आप लोगों से मिलता हूँ दोस्तों उधर। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो, इधर है हमको लैपिस लेजुली मिल गया। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, आप लोगों को ब्लू के तरीके से, ब्लू कलर के तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा। इसको अभी हमको तोड़ना पड़ेगा और हमको मिल जाएंगे, इसको पिकेक से ही तोड़ना पड़ेगा और हमको मिल जाएंगे लैपिस लेजुली, कुछ इसी तरीके से दिखता है। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मैंने इसको तोड़ा और भी बहुत सारे लैपिस लेजुली है, और हमको 4-4 लैपिस लेजुली मिल गया देख सकते हो। और भी मतलब इधर लैपिस लेजुली है, तो मतलब जितने भी लैपिस लेजुली हमको मिला है ये सारे को कलेक्ट कर लेते हैं। ये क्या ना आता है, मतलब ज़्यादातर इन्हीं, मतलब हमको अंडरग्राउंड ही ज़्यादातर मिलते हैं लैपिस लेजुली, और मतलब रेड स्टोन और डायमंड्स और आयरन भी मिल सकता है, गोल्ड, इन सारे चीज़ें जो भी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें हमको ज़्यादा नीचे जाने के बाद ही मिलेंगे दोस्तों। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मेरे को लैपिस लेजुली मिल गया। अभी क्या करने वाला हूँ, अभी मैं
तो जैसे कि आप इधर देख सकते हो ये पूरे के पूरे 16 थे, लेकिन 16 ब्लॉक ही है, लेकिन फिर भी मेरे को लैपिस लेजेंड मिल गया। मतलब इधर से मिलना चालू हो जाता है, मतलब 20 ब्लॉक से नीचे, लेकिन डायमंड्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, वो मिलते हैं 12th ब्लॉक से नीचे ही। उसके मतलब वाई एक्सिस जो होता है ना उधर 12th ब्लॉक से नीचे, हमको उधर ही 12th ब्लॉक पर ही मिलेगा, ज़्यादा 12th ब्लॉक से नीचे नहीं, 12th ब्लॉक पर ही मिलेगा। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हो हम पहुंच गए 12th ब्लॉक पर। अभी क्या है ना, अभी मैं इधर पूरे के तरीके से एक बेस बनाऊंगा और बेस बनाने के बाद आप लोगों से मिलता हूं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो इधर पूरे के पूरे मैंने एक बेस बना दिया, आप देख सकते हो पूरे के पूरे चेस्ट लगा दिया और मैंने लैडर भी लगा दिया मतलब ऊपर जाने के लिए, और इधर एक क्राफ्टिंग टेबल भी लगा दिया। अभी मैं क्या ना अभी ऊपर जाकर आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कि इसमें क्या ना, इसमें काफ़ी जल्दी आप ऊपर भी पहुँच जाएंगे और काफ़ी जल्दी नीचे भी आ जाएंगे। पहले क्या ना मैं स्टेयर्स का यूज़ करने के लिए सोच रहा था, मतलब स्टेयर्स पूरे तरीके से स्टेयर्स बनाते बनाते माइनिंग करें, लेकिन उसमें क्या ना काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा मतलब नीचे जाने के लिए और ऊपर जाने के लिए। तो इसलिए मैंने क्या किया ना, सिर्फ और सिर्फ दो ब्लॉक का मैंने माइनिंग कर दिया और इधर पूरी तरीके से मैंने लैडर लगा दिया। अभी इस ब्लॉक को तोड़ना पड़ेगा, ये ब्लॉक गलती से लग गया था तो इस ब्लॉक को लगा तोड़ दूंगा। तो अभी आप देख सकते हो पूरे मतलब बहुत ही कम टाइम में आप नीचे भी पहुंच जाएंगे और नीचे पहुंचकर माइनिंग भी कर सकेंगे। इसमें क्या ना काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा, तो इसीलिए मैंने क्या किया ना सिर्फ और सिर्फ दो ब्लॉकों का माइनिंग किया। और इधर आप देख सकते हो पूरे के पूरे मैंने इधर एक बेस भी बना दिया और आप देख सकते हो मेरे को आयरन भी मिल चुका है। अब इधर देख सकते हो तो शुरुआत इधर से ही करेंगे। तो दोस्तों मैं क्या है ना स्ट्रिप माइनिंग करने वाला हूँ। जैसे कि आप इधर देख सकते हो आयरन भी हमको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, तो जितना आयरन मिलता है उन सारा आयरन को हम कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट करने के बाद हम सीधा सिर्फ स्ट्रिप माइनिंग करेंगे। मतलब दो ब्लॉक तोड़ते तोड़ते ऐसे ही जाएंगे और हमको शायद डायमंड्स भी मिल सकता है दोस्तों काफ़ी जल्दी, क्योंकि इसमें क्या ना काफ़ी जल्दी मतलब ज़्यादा चांसेस है हमको डायमंड्स मिलने का, तो इसीलिए हमको इसी तरीके से कुछ माइनिंग करना है स्ट्रिप माइनिंग। तो आप देख सकते हो इधर मैंने एक बेस भी बना दिया, इधर मैंने फर्नेस भी काफ़ी सारे फर्नेस भी लगा दिया था। अभी इस फर्नेस को मैंने आयरन को क्या ना रख देता हूँ ताकि क्या ना स्मेल्ट हो जाए, और मेरे पास थोड़ा सा ही कोल है, कोल भी हमको जमा करना पड़ेगा। तो इसको स्मेल्ट होने देते हैं और मैं करने वाला हूँ स्ट्रिप माइनिंग, और मैं इसी तरीके से माइनिंग करता हूँ। आप देख सकते हो इधर एक ग्रेविल आ गया है, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ जब मेरे को डायमंड्स जो है ना मिल जाएंगे, तब मैं आप लोगों से मिलता हूँ दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो इधर मेरे को मैंने और थोड़ा सा ही माइनिंग किया और मैं आप देख सकते हो इधर मेरे को और थोड़ा सा आयरन जो है ना मिल गया, तो काफ़ी ज़्यादा सही सही चल रहा है। मतलब हमारा जो माइनिंग है काफ़ी ज़्यादा सही सही चल रहा है, हमको आयरन भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को और एक टिप देना चाहता हूँ, क्या है ना डायमंड जो है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब जब आयरन हम लोगों को मिलता है ना तब हम लोग को उधर आसपास ही आयरन डायमंड का क्या है ना डायमंड हो सकता है, तो इसीलिए मतलब थोड़ा माइनिंग और ज़्यादा किया करो। मतलब जब आप लोगों को आयरन जो है ना मिल जाता है ना, जैसे कि आप इधर देख सकते हो मैं आयरन जब मिला था तभी उसी डायरेक्शन मैंने स्टार्ट कर दिया था माइनिंग। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हो इधर मेरे को और थोड़ा सा आयरन जो है मिल चुका है। अभी मैं 12th ब्लॉक से ही मतलब माइनिंग करने वाला हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, मैं आगे जाता हूँ शायद मेरे को डायमंड भी मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं माइनिंग करते काफ़ी ज़्यादा दूर आ गया, जैसे कि आप इधर देख सकते हो हमको मिल गया डायमंड, जो फाइनली हमारा पहला जो डायमंड से हमको मिल गया दोस्तों। जैसे कि आप इधर देख सकते हो मैंने ज़्यादा अभी कुछ माइनिंग नहीं किया था, मतलब सीधे माइनिंग किया और आप देख सकते हो हमको मिल गया डायमंड्स, वो हमारा तो निकल पड़ा। तो दोस्तों फाइनली हमको मिल चुका है डायमंड, अगर 5 डायमंड मिल गए तो बहुत ज़्यादा सही होगा, क्योंकि हमको 5 डायमंड की ज़रूरत है, लेकिन हमको और एक डायमंड मिल चुका है दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। तो इधर मैं और थोड़ा सा खोद कर देखता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक टॉर्च लगा देता हूँ क्योंकि पूरी तरीके से अंधेरा है। तो अभी मैं देखता हूँ और थोड़ा सा खोद कर देखता हूँ कि और हमको डायमंड्स मिल सकता है क्या, इसके ऊपर तोड़ कर देखता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो इधर और एक डायमंड है, पूरे के पूरे 3 डायमंड हमको मिल चुका है, लेकिन मैं और थोड़ा सा खोद कर देख रहा हूँ ताकि मतलब और डायमंड अगर हम लोग को मिल सकता है। तो सबसे पहले क्या है ना मैं और हमको डायमंड्स मिल चुके हैं दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, और साथ के साथ हम लोग को आयरन भी इधर मिल रहा है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप सब लोग से कह रहा था जिधर आप लोगों को आयरन मिलता है ना मतलब 12th ब्लॉक पर, उधर आप लोगों को डायमंड्स मिलने का चांसेस जो है ना ज़्यादा रहता है। जैसे कि आप इधर देख सकते हो पूरे के पूरे हमको मिल चुका है, जब लगभग हमको 4 डायमंड मिल चुका है दोस्तों, और मैं थोड़ा सा खोद कर देखता हूँ तो इधर और भी डायमंड है दोस्तों। पूरे के पूरे हमको 5 ब्लॉक का जरूरत है, 5 डायमंड ब्लॉक का, तो 5 हम लोग को मिल गया है दोस्तों। दोस्तों हम लोग को डायमंड के साथ साथ रेडस्टोन भी मिल चुका है, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ इन सारे एरिया को मतलब क्लियर करने वाला हूँ, ताकि इधर अलावा वगैरह कुछ है तो मेरे को मतलब दिख जाए और मैं डायमंड जो भी मैं कलेक्ट करूँ वो मैं सेफली मैं अपने अलमारी पर सेफली रख पाऊँ जो भी डब्बा है। तो सबसे पहले मैं धीरे धीरे मतलब इन सारे एरिया को क्लियर करूँगा, उसके बाद ही मैं आराम से इस डायमंड
डायमंड्स को लूँगा दोस्तों, क्योंकि अगर मैं जल्दबाजी किया और लावा आ गया तो मेरे को जितना भी डायमंड्स मिलेंगे उन्हें उस सारे लावा में डूब जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि अभी देख सकते हो, अभी मैं सारे एरिया को मतलब क्लियर कर दिया एक टाइप का। अभी क्या ना, मैं बीच वाले जो डायमंड्स है उन सारे डायमंड्स को मैं अभी तोड़ सकता हूँ, क्योंकि इधर लावा आने का बिल्कुल भी संभावना नहीं है। तो मैं जितना भी डायमंड्स मतलब 4 डायमंड है, इन सारे पर सबसे पहले मतलब ये 4 डायमंड को तोड़ूंगा और उसके बाद ऊपर वाला डायमंड का भी तोड़ूंगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मैंने जितना भी मतलब मिडिल लेयर का डायमंड्स है उन सारे डायमंड्स को मैंने तोड़ दिया। आप देख सकते हो पूरे के पूरे 4 डायमंड मेरे को मिल चुका है अभी। लेकिन अभी और एक डायमंड है तो मैं इसको भी तोड़ने वाला हूँ, लेकिन ऊपर वाला ब्लॉक को तोड़ूंगा ताकि लावा वगैरह है तो मेरे को दिख जाए। तो लावा जो है ना नहीं है दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। तो अभी मैं इस डायमंड को आराम से तोड़ सकता हूँ और तोड़कर जल्दी से जल्दी मैं अभी तो भाग कर मैं अपना जो भी डायमंड है वो सारे डायमंड्स को स्टोर कर देता हूँ सबसे पहले। तो मैं जल्दी से जल्दी भाग कर अपना जो चेस्ट का एरिया है उधर मैं पहुंच जाऊंगा, मतलब मेरा जो भी बेस है उधर पहुंच जाऊंगा और पहुंच कर मेरा डायमंड सेफली रख दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली थोड़ा सा माइनिंग करने के बाद हम लोग को बहुत सारे डायमंड्स मिल चुके हैं, लगभग 5 डायमंड मिल चुके हैं दोस्तों, वो काफ़ी एनफ है। हमको एक पिकेक्स बनाना है और 2 डायमंड जो है ना हम एंजेंटमेंट के ऊपर लगाएंगे, मतलब एंजेंटमेंट टेबल के ऊपर, और हमारा बन जाएंगे एंजेंटमेंट टेबल। और उसके बाद हमारा जो पिकेक्स है इसको 43 पिकेक्स लगाऊंगा और उसके बाद हम लोग को डायमंड्स जो है ना ज़्यादा मिलने का संभावना बढ़ जाता है। तब मैं एक डायमंड ब्लॉक को तोड़ूंगा तो मेरे को 2-3 डायमंड मिल सकता है दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बात है। तो इसलिए मैं सबसे पहले 43 पिकेक्स बनाऊंगा और उसके बाद ही फिर से डायमंड का जो है ना माइनिंग करने शुरू करूंगा। तो दोस्तों अगला वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि अगले वीडियो में मैं करूंगा एंजेंटमेंट टेबल, एक एंजेंटमेंट टेबल बनाऊंगा और उसके बाद मैं सारे बुकशेल्फ बनाऊंगा और उसके बाद मैं बनाऊंगा 43 पिकेक्स और उसके बाद हम आएंगे माइनिंग करने के लिए और बहुत सारे डायमंड्स माइनिंग कर लेकर जाएंगे। आप देख सकते हो इधर और भी ज्यादा आयरन है और साथ के साथ रेडस्टोन भी है दोस्तों, जितने भी रेडस्टोन और आयरन मिलता है उन सारे को मैं अभी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है इधर ही हम एंड करते हैं, डायमंड्स में मिल चुका, तो काफी ज्यादा सही चला हमारा जो वीडियो है, तो काफी ज्यादा सही है। तो अगर आप लोग को ये वाला वीडियो पसंद आए तो जल्दी से जाओ लाइक और शेयर करो, और आप इस चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना दोस्तों, उसमें काफी ज्यादा मोटिवेट होते हैं और आप लोग ऐसे बहुत सारे वीडियो लेकर आते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अलविदा।